परमाणु ऊर्जा विभाग ना संगठन वड़ा प्रधान आमा एक आयोग छे अने बीजू विभाग छे। परमाणु ऊर्जा आयोग अने परमाणु ऊर्जा विभाग। हवे परमाणु ऊर्जा विभाग ना हेठळ संशोधन अने विकास क्षेत्र रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र आमा छे संस्थाओ छे। आनु नाम आगर स्लाइड मा आपसे। सार्वजनिक क्षेत्र ना एकमो 5 छे। उद्योग अने खनिज क्षेत्र ना संस्थाओ 3 छे। सेवा संगठन संस्थाओ 3 छे। सहायता प्राप्त संस्थाओ 11 छे। अने अन्य संगठन रूपी संस्थाओ 3 छे। ऑनलाइन क्लास का नाम है, पहले तो ऐप का नाम जानिए, विश्वास लर्निंग ऐप। तो गूगल पर जाइए और विश्वास लर्निंग ऐप जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए और यहां पर सीसीई ग्रुप ए और बी के लिए एक कोर्स, सीसी ग्रुप बी के लिए दूसरा कोर्स, पीएसआई तीसरा कोर्स, जीपीएससी क्लास 1-2 चौथा कोर्स और ये सारे कोर्स में पीपीटी ठीक ऐसे ही सब कुछ गुजराती में आपको मिलेगा और हम केवल इसको समझाने का काम हिंदी में करेंगे लेकिन लाइन पूरा गुजराती में ही आपको पढ़ के बताएंगे। तो ये कोर्स आपका अवेलेबल है। यूपीएससी जीपीएससी एसटीआई डीवाईएसओ सीसीई मेंस ग्रुप ए बी और पीएसआई तमाम प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले गुजरात के हमारे प्रिय छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। आज का वीडियो हम जो बनाने जा रहे हैं दोस्तों वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर हम बनाने जा रहे हैं और परमाणु ऊर्जा एक ऐसा महत्वपूर्ण हमारा पार्ट है पाठ्यक्रम का कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए कि जीपीएससी का दीजिए एसटीआई डीवाईएसओ सीसीई या पीएसआई आज के डेट में सभी के सिलेबस में ये दिया हुआ है और उसके साथ जुड़े हुए संस्था। तो आज हम आपके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग पर संपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले परमाणु ऊर्जा विभाग का सामान्य परिचय देखें। तो ईस्वी सन 1948 में परमाणु ऊर्जा ना शांतिपूर्ण उपयोग ना उद्देश्य थी परमाणु ऊर्जा खरड़ो बनावामा आवियो। ये है सबसे पहला ध्यान रखना है। त्यार पछी परमाणु ऊर्जा विभाग 3 अगस्त 1994 में अस्तित्व में आ गया। 1954 और सबसे बड़ी बात कि वड़ा प्रधान ना प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो आ विभाग। कोई ना मंत्रालय नीचे कार्य नथी करता आ वड़ा प्रधान ना नियंत्रण में कार्य करे। परमाणु ऊर्जा आयोग 1 मार्च 1958। अब जरा हम लोग ये देखें कि परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यक्रम क्या क्या है। तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में स्वदेशी टेक्नोलॉजी नो विकास ज्यादा से ज्यादा यहीं बने, बाहर से नहीं मंगाना पड़े। तीव्र संवर्धक रिएक्टर यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अने थोरियम रिएक्टर ना विकास, रेडियो आइसोटोप ना उत्पादन,
एक्सीलेटर अने लेजर टेक्नोलॉजी ना विकास, ये इनका मेन कार्यक्रम है। अब जरा देखें इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, जरा इनके संगठन को देखिए दोस्तों एक साथ। ये आप सबसे पहले आज YouTube पर देखने जा रहे हैं गुजराती में परमाणु ऊर्जा विभाग का संगठन। तो चलिए जरा देखें परमाणु ऊर्जा विभाग ना संगठन, वड़ा प्रधान, आमा एक आयोग छे अने बीजू विभाग छे, परमाणु ऊर्जा आयोग अने परमाणु ऊर्जा विभाग। हवे परमाणु ऊर्जा विभाग ना हेठळ संशोधन अने विकास क्षेत्र, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र, आमा छह संस्थाओं छे। आनु नाम आगर स्लाइड में आपसे। सार्वजनिक क्षेत्र ना एकमों पांच छे। उद्योग अने खनिज क्षेत्र ना संस्थाओं त्रण छे। सेवा संगठन संस्थाओं त्रण छे। सहायता प्राप्त संस्थाओं अग्यार छे। अने अन्य संगठन रूपी संस्थाओं त्रण छे। आ प्रकार अथवा आ बधा संगठनों ने कोने ऑपरेट करे छे, तो परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग अंतर्गत 9, 5, 14, 3, 17, 11, 28, 3, 31 क्षेत्र अथवा एकमों कार्यरत छे। अब इनमें से एक एक का परिचय लेते हैं दोस्तों। संशोधन अने विकास क्षेत्र क्या पढ़े, छह संस्थाओं। तो हम लोग यहां अब इनके स्थल राज वगैरह को देखेंगे। तो पहला भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, मुंबई महाराष्ट्र। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR, कलपक्कम तमिलनाडु। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT, इंदौर मध्य प्रदेश। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर VECC, कोलकाता पश्चिम बंगाल। ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप GCNEP, बहादुरगढ़ हरियाणा। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMDER, हैदराबाद तेलंगाना। तो ये छह जो हैं ये परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के में रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च को डेवलप करते हैं। इसके बाद हम लोग देखें उद्योग अने खनिज क्षेत्र, आमा त्रण संस्थाओं छे। पहला हेवी वाटर बोर्ड, मुंबई महाराष्ट्र। न्यूक्लियर फ्यूएल कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद तेलंगाना। अने रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी बोर्ड RAITB, मुंबई महाराष्ट्र। इनका काम खनिज और उसको उद्योग तक पहुंचाना। इसके बाद आइए जाहिर क्षेत्र ना एकमों, यानी कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई है, यानी ये प्रॉफिट करेगी। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, मुंबई महाराष्ट्र। इंडियन रेयर एलिमेंट इंडिया लिमिटेड IREL, मुंबई महाराष्ट्र। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL, जादूगोड़ा झारखंड। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, हैदराबाद तेलंगाना। और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड BHNVL, कलपक्कम तमिलनाडु। ये जो पांच संस्था है ये जाहिर क्षेत्र ना एकम है, यानी ये NTPC ONGC जैसा ऑर्गेनाइजेशन है। अब आइए हम लोग आगे देखें संगठन का नाम। ये सेवा देने वाला संगठन,
द डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर DPAR मुंबई महाराष्ट्र, डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड एस्टेट मैनेजमेंट DCSAEM मुंबई महाराष्ट्र, जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन GSO कलपक्कम तमिलनाडु। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं यही कहूँगा कि एक परमाणु ऊर्जा में यूट्यूब पर आकर के आपको अगर गुजराती में ये गुणवत्ता दे रहे हैं तो ज़रा सोचिएगा कि हमारा जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम आपको कितना दे रहे होंगे। हमारे ऑनलाइन क्लास का नाम है, पहले तो ऐप का नाम जानिए, विश्वास लर्निंग ऐप। तो गूगल पर जाइए और विश्वास लर्निंग ऐप जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए और यहाँ पर CCE ग्रुप ए और बी के लिए एक कोर्स, CCE ग्रुप बी के लिए दूसरा कोर्स, PSI तीसरा कोर्स, GPSC क्लास 1-2 चौथा कोर्स, और ये सारे कोर्स में PPT ठीक ऐसे ही सब कुछ गुजराती में आपको मिलेगा और हम केवल इसको समझाने का काम हिंदी में करेंगे लेकिन लाइन पूरा गुजराती में ही आपको पढ़ के बताएंगे। तो ये कोर्स आपका अवेलेबल है और इसके अलावा UPSC प्री का कोर्स हिंदी में विथ PPT, UPSC मेंस का कोर्स हिंदी में, और सबसे बेहतरीन कोर्स है NCERT क्लास 6-12 ये भी हिंदी में, और एक अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये भी हिंदी में। तो आपको हिंदी में भी कोर्स अवेलेबल है और गुजराती PPT के साथ भी जो है कोर्स अवेलेबल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना भविष्य मत बिगाड़िए और आप एक बार गुणवत्ता युक्त क्लासेस में ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो ये क्लास अहमदाबाद में अवेलेबल है, और अगर आपको हमसे कोई संपर्क करना हो तो 9420804128 से आप संपर्क कर सकते हैं। और अहमदाबाद में 410 RBS ओल्ड नटराज सिनेमा आश्रम रोड पर जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुणवत्ता युक्त बोलते नहीं हैं, क्वालिटी क्लास अगर पूरे गुजरात में कोई एक आदमी दे सकता है तो वो तोमर सर ही हैं। और एक अंतिम लाइन बोलकर आगे बढ़ते हैं, ये विद्यार्थी के लिए नहीं है, कोचिंग वालों के लिए है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, अब आपके ऊपर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखें सहायता प्राप्त संस्थाओं कौन कौन सा है। तो अभी ही भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है रतन टाटा जी। तो देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई महाराष्ट्र, टाटा मेमोरियल सेंटर TMC मुंबई महाराष्ट्र, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता पश्चिम बंगाल, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर ओडिशा, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर गुजरात, ये पूछ चुका है GPSC में, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट HRI इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस IMS चेन्नई तमिलनाडु, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई महाराष्ट्र, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEEC मुंबई महाराष्ट्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च NISER भुवनेश्वर ओडिशा,
सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस CIEBS मुंबई महाराष्ट्र, और अंत में ये दो अन्य संगठन हैं जो सहायता प्राप्त स्वायत्त हैं, ऑटोनोमस हैं, बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंस ब्रिंस मुंबई महाराष्ट्र, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिकल NBHM मैथमेटिक्स है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुंबई महाराष्ट्र। तो ये आज आपको एक केवल न्यूक्लियर एनर्जी जो विभाग है हमारा, मतलब कहने का दोस्तों कि आज जो है हम लोग परमाणु ऊर्जा जो हमारा कार्यक्रम है उसको चलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो शुरुआत किया गया, पहले एक खरड़ा लाया गया था और उस खरड़ा के बाद जो है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। तो उस परमाणु ऊर्जा विभाग का आज हम लोग कार्यक्रम पढ़े, परमाणु ऊर्जा विभाग कब स्थापित हुआ वो जाने, और उसके बाद उस विभाग के साथ जुड़े हुए संगठनों के समूह को जाने। तो फिर ऐसे ही रोचक वीडियो को लेकर आपके लिए आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।